इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेश थाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में हैं। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश थाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला, संपूर्ण बांग्लादेश संदेश थाली जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। साथियों, तुष्टिकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है।